दीदी अब्बू तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर पहले डाकू से लड़ रहा था। कोई घबराने वाली बात नहीं थी, वो तो बस क्या कहूँ। हाँ? तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। मुझे एक अजीब झलक दिखाई दी। मुझे लगता है मैंने अपनी माँ और खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। माँ, एक बच्चा? पापा, ये तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना तो नहीं चाहता, पर मैं यहाँ आया कहाँ से हूँ? वैसे असल में बेटा, छोटे हंस अंडे में से आते हैं। अब ये मत पूछना कि अंडा कहाँ से आता ओहो है। पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ। लगता है तुम्हें वो बात बताने का वक्त आ गया है जो मुझे तुम्हें काफी पहले बता देनी चाहिए थी। वो क्या है? हो सकता है कि तुम्हें गोद लिया गया हो। जानता था, जानते थे? तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने भी तो कुछ नहीं कहा। मैं यहां कैसे आया था पापा? मैं कहां से आया था? असल में तुम मुझे इसमें मिले थे। मेरे लिए वो बस काम का एक आम दिन था। अब मुझे सिवैयां बनानी थी। मैं पीछे गया जहां मेरी सब्जियां लाकर रखी गई थी। वहां पर पत्ता गोभी, शलजम, मूली थी, पर हां, मूलियां गायब थी क्योंकि उन्हें एक छोटे भूखे पांडा ने खा लिया था। कोई चिट्ठी नहीं थी, शायद तुमने उसे खा लिया था। मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने आए, पर कोई नहीं आया। मैं तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें खिलाया, साबुन से नहलाया और फिर से खिलाया और फिर से, और तुम्हें निकर पहनाने की कोशिश की। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मूली के बिना सूप बनाने का और तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा करने का। ओहो, मेरा छोटा पैंडा। और उस पल से मेरी जिंदगी और सूप दोनों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई। और मेरे को वो कहानी यहीं खत्म होती है।